बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश की वजह से किस तरह की स्थिति है इस पर। 9 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में कई जगहों पर सड़क मार्ग प्रभावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड की सूचना है। नदी नाले उफान पर हैं, बांधों का भी जलस्तर बढ़ चुका है। पिछले 24 घंटे में बारिश की वजह से 115 सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, 212 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, 17 पेयजल स्कीम्स बारिश की वजह से प्रभावित हुई हैं। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटकों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, नदी नालों के पास न जाएं ये कहा गया है। लैंडस्लाइड की वजह से जहां जिंदगियों पर खतरा तो मंडराता है तो वहीं सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और इसकी वजह से यातायात प्रभावित होता है। तो वहीं मंडी से पंडो के बीच डंगा में बीती रात को हुई बारिश की वजह से डंगा धस गया था और डंगा धसने की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया था। उस पर भी बंद होने का खतरा मंडराता रहा। हालांकि अभी यहां पर एक तरफा यातायात बहाल है, लेकिन सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। इस वजह से हाईवे और ज्यादा क्षतिग्रस्त होने की संभावना हाईवे पर बन गई है। अगर हाईवे यहां बंद होता है तो एक बार फिर कुल्लू मनाली आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में वैकल्पिक मार्गों के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाएगा। तस्वीरें दिखाते हैं आपको अलग अलग जगहों की हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से किस तरह की स्थिति हुई है। देखिए, मौसम तो सुहाना लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है लोगों को कि वो पहुंच जाएं हिमाचल प्रदेश, आनंद लें इस मौसम का। लेकिन खतरा भी लगातार बरकरार है। शिमला, लाहौल स्पीति, धर्मशाला, कुल्लू, बारिश, पहाड़ों का खूबसूरत मंजर, लेकिन इस खूबसूरत मंजर के साथ साथ खतरा भी बना हुआ है। मंडी, सोलन, शिमला, कुल्लू और पालमपुर की आपने दो अलग अलग तस्वीरें देखी। एक बार पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो अभी दिखाई थी, चार तस्वीरें, और फिर ये पांच तस्वीरें। ये चार तस्वीरें, इसमें आपको लगेगा मौसम सुहाना, शानदार, खूबसूरत नजारा पहाड़ों का, कि सभी का मन करे कि घूमने वहां जाएं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर फिर आती है, ये खतरा, कहीं पर लैंडस्लाइड, कहीं पर यातायात मार्ग बाधित हुआ, पहाड़ों से पत्थर गिर गए, नदी नाले उफान पर हैं। तो ये तस्वीरें खतरा बताती हैं कि किस तरह का खतरा होता है खूबसूरती के साथ। कहते हैं ना कि फूल के साथ, गुलाब के साथ कांटे भी लगे होते हैं, तो इसी तरह की स्थिति पहाड़ों पर होती है कि जहां मौसम सुहाना और खूबसूरत हो जाता है तो साथ साथ खतरा भी बरकरार। ये आप अंदाजा लगाइए, ये पहाड़ से पत्थर आया है। अब इतनी बड़ी चट्टान, इतना बड़ा पत्थर, आप अंदाजा लगाइए कि गनीमत रही कि कोई, हालांकि कुछ गाड़ियां दबी हैं मलबे की वजह से, लेकिन अगर किसी गाड़ी में ये लग जाता तो क्या हाल हो सकता था। तो ये अचानक से कब क्या हो जाए पहाड़ों पर, इसलिए एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है। और बेहतर ये रहता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो फिर पहाड़ों की तरफ रुख ना किया जाए। ये वो तस्वीर, एक बाइक और एक गाड़ी मलबे में फंस गई थी, दब गई थी। इसी तरह से एक महिला की मौत हुई है खड्ड में गिरने से। तो ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं हिमाचल प्रदेश से, और बारिश के मौसम में अक्सर यही होता है हिमाचल प्रदेश में। नदी नाले उफान पर, अचानक से जलस्तर बढ़ जाता है, कई बार लोग आसपास होते हैं, घूम रहे होते हैं तो वो भी उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई मत जाइए, बिल्कुल करीब मत जाइए पहाड़ों पर, नदी नालों के बिल्कुल करीब मत जाइए, दूर रहिए वहाँ से, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो शिमला, अब ताज़ा अपडेट के लिए, ताज़ा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से। प्रदीप, अभी स्थिति क्या है, मौसम कैसा है, किस तरह का खतरा मंडरा रहा है? बिल्कुल, देखिए बीते शाम से बारिश का दौर शुरू हुआ है और अब रात भर भी तेज बारिश होती रही। हालांकि अभी शिमला की बात करें तो इस वक्त हल्की बारिश यहां पर फिर से शुरू हो चुकी है। फिलहाल तस्वीरें आपको शिमला की एक बार जोर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पर धुंध जो है, घनी धुंध यहां पर छाई हुई है और विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है और अभी बारीक बारिश यहां पर हो रही है। तो तस्वीरें ये शिमला की हैं और जिस तरह का मौसम बना हुआ है शिमला में भी, जो यहाँ पर रोड साइड की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी वहां पर भी कम है और ऐसे में जो सड़क से सफर कर रहे हैं उनको जरूर हम ये कहेंगे कि आप अपनी फॉग लाइट को ऑन करके ही सफर करें, क्योंकि कई बार इस ऐसी स्थिति में वाहनों के टकराने का खतरा रहता है और इसके साथ साथ नजर भी बनाए रखें सड़क के दोनों तरफ, क्योंकि कई बार सामने जो जिस तरह से यहाँ की सरपीली सड़कें हैं तो
सामने की जगह नहीं दिखती है या फिर पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाएं जो है वो होती है, चट्टाने खिसक जाती है और या फिर लैंडस्लाइड की घटना हो जाती है, तो उस दौरान भी आप बिल्कुल सतर्क रहकर ही सफर करें, खासतौर पर जो पर्यटक बाहरी राज्यों से यहाँ आए हैं और बाकी भी जो पर्यटक शिमला का आने का जो है मन बना रहे हैं या और पहाड़ी क्षेत्रों में जाने का मन बना रहे हैं वो बेशक आ सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों पर ही रहें जहां पर सेफ है। यानी शिमला की बात करें तो शिमला के आसपास रिज मैदान में घूम सकते हैं और बहुत अच्छा मौसम इस वक्त होता है जब धुंध होती है और उसके बीच में पर्यटक अटकेलियां करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा मौसम बनता है। लेकिन ये बरसात क्योंकि शुरुआती स्टेज में है और हम कह सकते हैं कि अब फुल स्विंग में, अब पूरी तरह से मॉनसून जो है वो अपना हिमाचल प्रदेश में प्रभाव जमाने वाला है, तो बारिश जो है वो लगातार हो रही है और ऐसे में कई स्थानों पर नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, लैंडस्लाइड होने की वजह से मार्ग भी अवरुद्ध हुए हैं, पूरे प्रदेश में लगभग 115 के करीब सड़क मार्ग इस तरह के अवरुद्ध हुए हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए हैं, बिजली व्यवस्था कई क्षेत्रों में ठप पड़ गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो मार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो फिलहाल हम कह सकते हैं कि अभी ठीक है, वहां पर यातायात व्यवस्था सुचारू है। कुछ एक जगह बेशक लैंडस्लाइड हुआ था, फिर उस मलबे को हटा दिया गया है, मंडी के कुछ क्षेत्रों में इस तरह की खबरें आई थी और उसके साथ साथ करसोग शिमला के बीच में भी एक मार्ग में इस तरह की खबरें सामने आई थी, सूचनाएं जानकारी और तस्वीरें उसकी सामने आई थी कि वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, तो मलबा हटा दिया गया है, मार्ग अब पूरी तरह से सुचारू है। लेकिन अभी क्योंकि बारिश चल रही है और अभी जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 9 जुलाई तक मौसम इसी तरह का रहेगा, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, तो पर्यटक जो जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएगी उसको लगातार फॉलोअप उसमें करते रहें और लगातार उसमें देखते रहें कि हमने जाना कहां है, कहां नहीं जाना है और खासतौर पर नदी नालों से इस वक्त बिल्कुल भी दूरी बनाएं, क्योंकि अगर नदी नालों में कई बार जब बाढ़ आती है या पहाड़ी इलाकों में बादल फट जाते हैं तो एकदम से पानी का भाव बढ़ जाता है और उसमें कोई भी जानी नुकसान हो सकता है, तो इस चीज का खास ख्याल जो है वो रखें, चाहे वो पर्यटक हैं या आम जन हिमाचल के हैं। कई बार लोगों को हम देखते हैं कि वो नदी नालों के किनारे चले जाते हैं या लकड़ियां लेने के लिए चले जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पुल नहीं होते हैं तो नदी को पार करने के लिए पुलिया, छोटी छोटी लकड़ी की पुलिया बनाई गई होती है और तेज भाव में वो बह जाती है तो व्यक्ति दूसरी तरफ फंस जाते हैं, या फिर अगर वो उस पुलिया को क्रॉस कर रहे हो उसी दौरान तेज भाव आ जाए तो उस स्थिति में वो बह जाते हैं। ऐसी सूचनाएं कई बार इस तरह की घटनाएं आती हैं, तो ऐसी घटनाएं ना हो तो लोगों को भी सतर्क रहना होगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो शुरुआती मॉनसून है और ज्यादा नुकसान बेशक नहीं हुआ है और अभी राजस्व की बात करें तो राजस्व विभाग इसका पूरा आंकलन कर रहा है कि फिलहाल कितना नुकसान हुआ है। अगर हम राजस्व को एक तरह से देखें तो फिलहाल वो नुकसान बेशक कम है, लेकिन बारिश जिस तरह से हो रही है उसे जनजीवन बेशक यहाँ पर प्रभावित हिमाचल प्रदेश में हुआ है। जी